हेलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग लेसन वन फ्रॉम क्लास फाइव। चैप्टर नेम इज़ आई येलो मंकी। येलो मंकी मीन्स आई एक पीला बंदर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव टू ब्रदर्स इन अ सिटी। वन डे दे वर गोइंग समवेयर एंड क्रॉसिंग अ स्ट्रीट। दे हियर्ड अ वॉइस एज समवन्स इज स्क्रीमिंग। The two brothers stopped there and stood quietly with full concentration. They peeped inside the house. It was the voice of a monkey who was screaming with pain. His owner, a man who had caught that monkey from a jungle and was trying to train him so that he can earn money. He was beating the monkey very badly. एक दफ़ा का जिक्र है कि दो भाई एक शहर में रहते थे और एक दिन वो किसी गली को क्रॉस कर रहे थे, यानी वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीखने की आवाज़ें सुनी। दोनों भाई रुक गए और गौर से सुनने की कोशिश की। उन्होंने सुना तो उन्होंने जो है वो एक घर के अंदर झांका। वहाँ से एक बंदर की आवाज़ें आ रही थीं जो तकलीफ़ से चीख रहा था। उसका मालिक एक आदमी था जो कि उसे जंगल से पकड़ कर लेकर आया था और उसको ट्रेन मींस तरबियत देने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पैसे कमा सके, और वो बंदर को बुरी तरीके से मार रहा था तरबियत देने के लिए। Both the brothers got very upset as they saw the situation of the poor monkey. They decided to help him and entered in the house slowly. As the owner of the monkey turned to pick something, one of the brother lifted the monkey on his shoulder and they ran away. The owner of the monkey shouted and said, "Give me my monkey. How dare you touch it? Stop there." The two brothers ran with full speed and turned to the right to hide themselves under the shelter of a house. दोनों भाई अब बड़े अफसोदा हुए ये देखकर, उस गरीब जो है वो बंदर की हालत देखकर। उन्होंने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेंगे और वो घर के अंदर आहिस्ता से दाखिल हुए। जो बंदर का मालिक था वो कुछ लेने के लिए, उठाने के लिए मुड़ा तो एक भाई ने बंदर को अपने कंधों पर उठा लिया और भागा। बंदर का मालिक चीखा और उसने कहा कि मेरा बंदर मुझे दे दो, कैसे तुमने इसको हाथ लगाया, रुक जाओ। दोनों भाई भागे बहुत तेज़ रफ्तार के साथ और जो है सीधे हाथ की तरफ जो है उन्होंने अपने आप को एक घर के नीचे छुपाने के लिए उस तरफ टर्न हुए, मुड़े। वहाँ पर एक कलर करने वाला एक घर की दीवार पर कलर कर रहा था और अ पेंटर वॉज पेंटिंग अ वॉल ऑफ दैट हाउस। एज द ब्रदर्स मूव टू द राइट विद द मंकी, दे कोलाइडेड विद द लैटर मिस्टेकिंगली। द बकेट ऑफ द येलो paint color fell onto the monkey. Now the monkey became a yellow monkey. The owner of the monkey ran straight and was unable to find them. The two brothers brought the monkey to their house safely. The next year they saw a picture of the monkey in the newspaper with a description. It is my monkey. The two thieves stolen him. If anybody found him, kindly call on this number. The two brothers giggled because the monkey was yellow now and nobody could recognize him. एक कलर करने वाला घर की दीवार पर कलर कर रहा था और जैसे ही ये भाई जो है वो सीधे हाथ की तरफ मंकी को लेके जो है वो मुड़े हैं और वहाँ पर वो धोखे से एक सीढ़ी के साथ टकरा गए और जो कलर की जो जिसमें येलो कलर था उस बाल्टी के अंदर जो उस कलर वाले ने पकड़ी हुई थी वो कलर की बाल्टी जो है वो उस मंकी के ऊपर गिर गई और इस तरह जो है वो बंदर अब पीले रंग का हो गया क्योंकि उस बाल्टी में पीले रंग का कलर था और अब मंकी भी पीले रंग का हो गया।
अब मंकी का जो मालिक था वो सीधा भागकर आया, लेकिन वो पहचान नहीं सका बंदर को, और दोनों भाई जो है वो उस बंदर को लेकर घर के अंदर बाहिफाजत आ गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि मंकी की तस्वीर जो है वो अखबार में आई है और उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरा बंदर है और दो चोर जो है उन्होंने इसको चुरा लिया है, अगर किसी शख्स को मिले तो वो मेहरबानी करके इस नंबर पर कॉल करके बताएं। दोनों भाई बहुत हंसे, और क्योंकि अब वो बंदर जो है वो पीले रंग का हो गया था और उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। यानी कि इस चैप्टर का मोरल मकसद जो है वो ये है कि देखें, हमें हर जानदार चीज़ का ख्याल रखना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, चाहे वो जानवर हों पौधे हों। ठीक है, जानवर चूँकि जो है वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकते हैं, अपनी तकलीफ़ को और अपने जज्बात को बता नहीं सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका ख्याल रखें और उनको तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ठीक है, अब यह है बेटा कि चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरीके से जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, सिर्फ एक दफ़ा लेक्चर लेके बंद नहीं करना है, बल्कि आप ये बुक को सामने रखिए और